न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। एक बड़ी खबर आ रही है खरगोन से, जहां पर विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, बीमारी के चलते कैदी की मौत के मामले में सिविल सर्जन ने बड़ा खुलासा किया है। खरगोन जेल में विचाराधीन कैदी की मौत मामले में बिस्तान थाने पर जमकर तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिविल सर्जन ने बड़ा खुलासा करते हुए विचाराधीन कैदी की मौत बीमारी से हुई है, जिससे हड़कंप मच गया है। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनुसार बीमारी से मौत होना बताया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि आदिवासी समाज ने आरोप लगाया है कि मारपीट की वजह से विचाराधीन कैदी की मौत हुई है, जबकि सिविल सर्जन के खुलासे के बाद में अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर दिव्येश वर्मा ने पुराने घाव का इंफेक्शन बताकर सेफ्टी सेबल शॉक बीमारी से मौत होना बताया है, जबकि शासन के आदेश पर इसी मामले में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। अब मामले ने नया रूप ले लिया है, अब देखना यह होगा कि आगे क्या निकलकर सामने आता है। वो जो घाव जो था, तो अभी पीएम की रिपोर्ट के दौरान जब उनको डिटेल में जानकारी दी गई, तो घाव कम से कम 7-8 दिन पुराना है, कम से कम 8 दिन से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन था उसको डीप मसल तक गया है। एक दो दिन की इंजरी में इस तरह का घाव नहीं होता है। तो पीएम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ जो घाव हो रहा कुछ ऐसा? हाँ, इंटरनल इंजरी के बारे में उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कि कहीं भी उसको अंजुरी मार्केट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट मतलब हाँ, और दूसरा कहीं जगह कोई घाव नहीं था, वो सिर्फ सेलुलाइटिस का जो इन्फेक्शन था, वही एक अल्सर बना हुआ था, वही था उसको, उसकी और कोई चीज। तो सर प्रथम दृष्टिया क्या माने सर, किस कारण मौत हुई? प्रथम दृष्टिया का जो अभी उसका कंक्लूजन अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इन लोगों ने रिपोर्ट बनाई है, मतलब जानकारी लेके आपको बता सकता हूँ, पर मोस्ट प्रॉब्ली वो जो घाव था उसी की इन्फेक्शन के कारण हुई, जैसे कि सेप्टिसियम शॉक वगैरह जो होता है, और उसमें मतलब सर मारपीट का कोई मामला नहीं? मारपीट का कोई दूसरी जगह कोई भी घाव का निशान नहीं है। क्या नाम था? डॉक्टर दिवेश।